नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के जे सर्वर में। जैसा कि मेरी हिस्ट्री की 4 क्लास पार्ट अपलोड हो चुके हैं YouTube पर, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और आपका काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है, उसके लिए सर्वप्रथम आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और इसी के साथ आज मैं आपको नए टॉपिक के साथ, बिल्कुल नए सब्जेक्ट के साथ पढ़ाऊंगा GS का। जैसा कि मैं आपको बताया कि मैंने आप सबको हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाने की बात की थी, तो इसी क्रम में मैं आज आपको इंडियन जो पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसके बारे में आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। इसका जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। तो इसी क्रम में हम अब आपको क्या कहते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहली बात आती है कि पॉलिटी क्या चीज है। पॉलिटी क्या चीज है, पॉलिटी में सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो शासन करने की जो व्यवस्था होती है, किसी भी सरकार है या कोई भी, किसी भी देश है, कोई भी राज्य है, जहां पर भी सरकार जो कार्य करती है, कानून का जो संचालन करती है, तो वहां पर जो भी हमारे जो लोग हैं, जो प्रशासन के द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो उसकी व्यवस्था बनाई जाती है, उसी को हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, संविधान कैसे बना। तो सबसे पहले इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बारे में बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूट। ठीक, तो सर्वप्रथम की संविधान क्या है। तो जो संविधान है वो एक लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट, जिसका अर्थ है शासन करने का जो है कानून, शासन करने की व्यवस्था को हम कॉन्स्टिट्यूट कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूट कहते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है वो कॉन्स्टिट्यूट से लिया गया है, तो इसी को कहते हैं। तो मैं आपको लेके देता हूं। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था में अब बड़े कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट होता है वो संविधान ही होता है। संविधान को ही हम एक इंडायरेक्टली वे में भारतीय राज्य व्यवस्था कानून बनाने की प्रक्रिया होती है वही कहते हैं। ये NN कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है, जो संविधान है, ये हमारे लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से लिया गया है। मैं आपको लेके देता हूं। ठीक है, तो बच्चों अब कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द, इसको हिंदी में संविधान कहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द था, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूट ट्यूट सबसे लेटिन सबसे लिया गया था, लेटिन वर्ड। लेटिन सब कॉन्स्टिट्यूट, ये जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूट से लिया गया है। अब इसका अर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही किसी भी कार्य करने का ढंग, मतलब किसी भी कार्य करने का ढंग, शासन करने का सिद्धांत या कार्य करने का सिद्धांत, कॉन्स्टिट्यूशन शासन करने का सिद्धांत। देखो, शासन करने का जो सिद्धांत होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट होता है, जो इसका अर्थ होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा ये बना कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान शब्द बना। ठीक, तो मतलब ये जो हम डायरेक्टली कह सकते हैं, संविधान है जो वो जो कानून है, कानूनों का जो एक समूह है, जो हमारी जो सरकार है जो बनाती है, हर साल कोई ना कोई विधेयक पास होता है तो कानूनी बन जाता है। तो अब हमको इसको इनडायरेक्टली वे में कह सकते हैं ग्रुप ऑफ लॉज, संविधान को हम इनडायरेक्टली वे में कह सकते हैं ग्रुप ऑफ लॉज, मतलब कि कानूनों का एक समूह। जो कानूनों का जो समूह होता है हम उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं।
ठीक है बच्चों, इसका मैं बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन, शासन करने का सिद्धांत और संविधान, ग्रुप ऑफ लॉज को हम संविधान कहते हैं। ठीक, लेकिन कानून का वह समूह, अब जो है कानून का जो वह समूह जो सरकार, जैसे कि कोई भी कानून बनाती है तो उसको कैसे लागू किया जाता है, किस प्रकार का जो हमारा प्रशासन है किस प्रकार प्रतिक्रिया देता है, तो उसी को हम कानूनों का एक समूह कहते हैं। जो कि अब इसी में आगे लिखते हैं, कानूनों का समूह जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्टली, ठीक है बच्चों। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो सरकार जो कानून बनाती है, बनाए जाते हैं कानून, यहां पर कानून की बात चल रही है, कानून, ठीक है, सरकार जो बनाती है तो उसी को जो समूह होता है, कानून बनाया है उसी का समूह, तो वो हम सब संविधान में पढ़ते हैं। ठीक, ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब मैंने आपको इसका अर्थ बताया, अब इससे आगे अब जो कि मैं बताऊंगा कि संविधान क्या है, संविधान के मतलब संविधान को क्या कहते हैं, ये तो संविधान की सिर्फ अभी डेफिनेशन हुई है कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन शब्द कहां से लिया गया, कॉन्स्टिट्यूट से लिया गया जिसका अर्थ है शासन करने का सिद्धांत। अब तो इनडायरेक्टली भी हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ लॉज मतलब कानून का वह समूह जो हमारे सरकार द्वारा जो बनाती है अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से, जो उनका एक समूह होता है, समूह बनाया जाता है, तो उनसे एक तो नहीं बनाया जाएगा कानून, तो कई सारे बनेंगे, जब कई सारे कानून बनेंगे तो कानून का समूह भी होगा, तो कानून का समूह होगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लिख दिया जाएगा। और मैं बताता हूँ संविधान क्या चीज है, हमारे किस चीज को प्रदर्शित करता है संविधान, ठीक है, ठीक है बच्चों, जैसा कि मैं बताना चाह रहा था आपको। अब संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, अब देखो जैसा कि हम इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द कहां से लिया गया था, मेनली हम जो पॉलिटी हम कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द कहां से लिया गया था, मैंने आपको बता दिया कॉन्स्टिट्यूट से लिया गया था। अब दूसरी जो बात है, अब ये पढ़ेंगे संविधान क्या है, जब हम आपको संविधान पढ़ाएंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि संविधान क्या है, तो आप फिर क्या पढ़ेंगे या हम आपको क्या पढ़ाना चाहेंगे, ठीक, तो अब मैं बताऊंगा संविधान क्या है। संविधान के भारत में शासन करने का एक लिखित जो रिपोर्ट होती है, मसौदा होता है, एक तो संविधान वो है, एक शब्द एक एक लाइन तो ये होगी, ठीक, दूसरी जो हमारी यह हमारी स्वतंत्रता को व्यक्त करता है, जो हमें भी हमें जो राइट्स दिए गए हैं उनको डिफाइन करता है ये संविधान, और जो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है यह सरकार का जो कानून है उनके ढांचों को बताता है कि सरकार किस प्रकार से काम करेगी या किस प्रकार कानून बना है। तो ये संविधान मैंने आपको बता दिया तीन पंक्तियों में, मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, आप इसे नोट कर लेना, और हाँ पेंसिल और आपको पता है पेन और कागज लेके बैठना, मेरी क्लास में यदि बैठना है तो, ठीक है बच्चों। अब पहली बात बताऊंगा मैं, पॉइंट नंबर वन, ठीक, संविधान क्या है डाल लेना, उसके बाद में लिख लेना, भारत में शासन करने का एक लिखित मसौदा, भारत में शासन करने का करने का लिखित मसौदा है,
अब हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे, रिटन रिटन डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स टू रूल इन इंडिया, टू रूल इन इंडिया, तो हो गया रिटन डॉक्यूमेंट्स टू रूल इन इंडिया, भारत में शासन करने का लिखित मसौदा। तो भारत में शासन करने का लिखित मसौदा, मतलब लिखित मसौदा क्या होता है, जैसे कि हमने कोई कानून बनाया, ठीक, अब कानून किस प्रकार से लागू होगा, कब से लागू होगा, कब से संसद में पारित हुआ, कितनी वोटें पड़ी, कितनी किस प्रकार से संसद में प्रक्रिया चली, तो ये सब ये हमारे संविधान में ही आएंगे, ठीक, और वो एक पॉइंट बनाकर एक अनुच्छेद बनाकर उसमें लिख दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा ये है हमारी स्वतंत्रता को व्यक्त करता है, नंबर दो ये है हमारी स्वतंत्रता को व्यक्त करता है, इट शोज अवर फ्रीडम, ठीक है बच्चों, ये हमारी स्वतंत्रता को व्यक्त करता है, इट शोज अवर फ्रीडम। जैसे कि जैसे हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें जो पार्ट तीन पढ़ेंगे, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसी जो फंडामेंटल हमारे जो राइट्स हैं वो इसमें हमारे संविधान में दिए गए हैं, ये हमारे जो उसी में हमारी स्वतंत्रता की बात की गई है, हम बोलने के व्यक्ति, कहीं भी आने जाने के व्यक्ति, और अपना किसी भी स्वतंत्र भाषण देने के व्यक्ति, किसी भी बात पर, किसी भी पॉइंट पर हम कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारी स्वतंत्रता उसको भी दिखाता है, व्यक्त करता है, ठीक। तीसरा पॉइंट इसको मैं मिटा देता हूँ ऊपर से, नंबर तीन जो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये है हमारे मूल ढांचे को भी दर्शाता है, दर्शाता है, ठीक। It shows our basic structure. Structure भी शॉर्ट में लिख देता हूँ। It shows our basic structure. ये हमारे संविधान के मूल ढांचे को भी दर्शाता है। ये तो बच्चों, यह हमारे मूल ढांचे को भी दर्शाता है। जब हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो मूल ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, जिस पर कि कोई भी हमारा जो संविधान तक की सर्वोच्च न्यायालय वो भी उस पर कुछ नहीं बोल सकता, जो मूल ढांचे के जो विषय दिए गए हैं उस पर जो जो है न्यायिक रिव्यू भी नहीं है। तो मैं उसको जब संविधान पढ़ाऊंगा तो उसको समझाऊंगा, फिलहाल ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक। अब आपको हो गया संविधान क्या है आपको पता चल गया होगा, ठीक। इस अब एक पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक। संविधान क्या है आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब जो हमारे किसी भी जो देश है उसमें शासन करने के तीन निकाय होते हैं, एक तो न्यायपालिका होती है, एक विधायिका होती है, और एक होती है कार्यपालिका, ठीक। मैं आपको इसको क्रम में बता देता हूँ, सरकार के जो तीन स्वतंत्र अंग होते हैं किसी भी शासन को लागू करने में, जो भी हमारा जो बनता है वो तीन उनसे बना, तीन उन शब्दों से बना, तीन उनको शब्द भी कह सकते हैं और तीन पॉइंट्स भी कह सकते हैं, या स्वतंत्र जो होते हैं वो तीन अंग होते हैं, वो अंग भी कह सकते हैं, ठीक। सबसे पहले लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका, या व्यवस्थायिका मतलब जो कानून बनाती है, ठीक, वो हो गया विधायिका, ठीक। दूसरी कार्यपालिका, जो हमारा कानून जो बनाया है विधायिका ने, जो कार्यपालिका है वो उसको देखेगी कि क्या कार्य है, मतलब उसको देखने का, जो लागू करने का जो कार्य होता है वो कार्यपालिका करेगी, ठीक। कानून बनाने का कार्य विधायिका का हो गया, और जो है कार्य विधायिका का, और जो कार्यपालिका है वो उसका
को उसको लागू करेगी कि हाँ इस दिन से ये लागू होगा, ठीक। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बिना कुछ भी नहीं है, वो है न्यायपालिका। जब तक उस पर जुडिशरी जुडिशरी ठीक जुडिशरी को इंग्लिश में न्यायपालिका को इंग्लिश में जुडिशरी कहते हैं, ठीक। जब तक जो न्यायपालिका उस पर रिव्यू देखेगी कि आपने जो कानून बनाया है वो किसी भी देश की जनता के लिए लाभदायक है या नहीं है, या इससे कोई भविष्य में कोई नुकसान तो नहीं हुआ किसी भी व्यक्ति को, तो जो ये तीन अंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है संविधान बनाने के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट तीन होते हैं किसी भी संविधान, संविधान कानून से बनता है, या कानून कानून बनाने के लिए तीन इम्पोर्टेंट होने चाहिए। जो कार्यपालिका है उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो मैं आपको लिख देता हूँ कि किसी भी कानून को बनाने के लिए मुख्यतः सरकार के पास तीन अंग होने चाहिए, ठीक। भारतीय राज्य व्यवस्था है जो ये भारतीय संविधान द्वारा चलाई जाती है, भारतीय संविधान द्वारा, और किसी अन्य देश की किसी और संविधान से चलाई जाएगी, ठीक। ये हमारे भारत के, तो ये भारतीय संविधान द्वारा चलाई जाती है, द्वारा चलाई जाती है, चलाई जाती है। अब भारतीय संविधान द्वारा चलाई जाती है, तो भारतीय संविधान के जो तीन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, तीन जो बिल्कुल महत्वपूर्ण अंग है, तो उन्हीं के द्वारा कोई भी कानून पास किया जाता है, उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है, उन्हीं के साथ पर लागू किया जाता है, और उसी पे रिव्यू दिया जाता है कि कैसा रहा कानून, मतलब कि उस पर जज अपना सुप्रीम कोर्ट का जज जो भी वो आपको बताता है कि ये कानून बिल्कुल है कि नहीं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं आपको उसको इसके तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं, तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं, अंग होते हैं, ठीक। कमरे विधायिका, ठीक, विधायिका पहले मैं हिंदी में लिखता हूं फिर इंग्लिश में लिखूंगा। कार्यपालिका, जो तीसरा होता है वो होता है न्यायपालिका। ये तीन महत्वपूर्ण अंग हो गए। अब मैं आपको इंग्लिश में लिख देता हूं, ठीक है, बच्चों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, और ज्यूडिशरी। सर आप ये जो तीन बताएं, ये कैसे कैसे कार्य करते हैं, भारतीय संविधान पर चलाई जाती है भारतीय राज्य व्यवस्था, ये तीन महत्वपूर्ण अंग उसमें किस प्रकार से योगदान देते हैं, अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, तीन महत्वपूर्ण अंग हो गए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इंग्लिश में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी, ठीक। अब इनको क्या कार्य होते हैं, विधायिका, विधायिका क्या करती है, विधायिका जैसे कि कोई कानून बनाना, उस पर चर्चा करेगी विधायिका, फिर उस पर कानून बनाएगी, ठीक, कानून बना दिया विधायिका ने, ठीक। अब जो कार्यपालिका है उसका निरीक्षण करेगी, पुनरावलोकन करेगी कि किस प्रकार से कानून बनाया गया है, तो जो उसको फिर वो इसको लागू करेगी, जो कार्यपालिका कानून को लागू करेगी, और जो लास्ट में है न्यायपालिका, वो उस कानून पर रिव्यू देखेगी, ज्यूडिशरी मतलब न्याय देखेगी कि वो किस हित में है, पब्लिक के हित में है कि नहीं, पब्लिक पब्लिक वेलफेयर में है कि नहीं, वो जो उनका जो कार्य होता है वो न्यायपालिका के पास होता है, जब न्यायपालिका उसको पास कर देगी अपने यहाँ से, तो फिर वो एक कानून बन जाता है, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा वो अच्छे से किस प्रकार से कानून बनते हैं, ये कानून विधायिका क्या कहते हैं, कानून बनाने का कार्य करती है, ठीक। कार्यपालिका जो कार्यपालिका उसको देखकर उसकी उसको देखकर उसे कानून को लागू करने की लागू कर देती है, लागू करने के ऊपर विषय पर बात करती है, ठीक, चर्चा करती है, और जो न्यायपालिका होती है वो उसका रिव्यू करती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, ये हो गए होंगे, ठीक। अब आपको भारत संविधान चलाइए बिना बता दिया आपको कि कानून किस प्रकार से बनाया जाता है। अब मैं बताऊंगा जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस देश का संविधान सबसे बड़ा है, तो मैं उस चीज को भी समझा दूंगा आपको। तो जो विश्व का, तो मैं बताना चाह रहा था कि जो विश्व का सबसे बड़ा छोटा जो भी है संविधान किस किस का, तो विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान है वो किस देश का, लिख देता हूं मैं,
विश्व का सबसे बड़ा एवं पुराना संविधान। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा और पुराना संविधान किसका है और कब लागू हुआ और कब बनाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहां से सबसे पहला ये क्वेश्चन बनता है, सबसे पुराना, सबसे सबसे पुराना, सॉरी यहां पर सबसे पुराना होगा, सबसे पुराना विश्व का सबसे पुराना संविधान, सबसे पुराना लिखित संविधान, लिखित संविधान जो है विश्व का जो सबसे पुराना संविधान लिखित संविधान है ये यूएसए के था, संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक, एक वहां पर एक सम्मेलन हुआ था फिलाडेल्फिया सम्मेलन, उसके बाद इसको बनाया गया था, फिर एक साल बाद इसको लागू किया गया था। तो मैं आपको डेट लिख देता हूं जिससे कि आपको याद रहे। ठीक, तो ये संविधान था, ये 1887 में बनाया गया था, 1787 ईस्वी में 17 सितंबर ठीक 17 सितंबर 1787 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका का, किसका था ये बनाया गया था, ये था यूएसए का, यूएसए अमेरिका का संविधान 17 सितंबर 1787 ईस्वी में बनाया गया था। और किसने किसका था जो बना था, वो यूएसए अमेरिका का, यूएसए अमेरिका का था, 17 सितंबर 1787 ईस्वी को बनाया गया था। ठीक, अब जो बनाया गया था ये कब बनाया गया था, फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, उसके बाद सम्मेलन के बाद बनाया गया था, उसी में संविधान के ऊपर बात की गई थी और उसी के बाद सम्मेलन हो गया, उसी के बाद इस पर कार्य चालू हो गया, और कार्य चालू हो गया तो ये जो इसको लिखित संविधान बनाकर तैयार कर देगा। लेकिन ये बना तो दिया, लेकिन ये लागू हुआ वो एक साल बाद लागू हुआ, इंप्लीमेंट कब हुआ, ये लागू हुआ है लगभग एक साल, मानो 21 जून 1788 ईस्वी में इस संविधान को लागू किया गया, 21 जून 1788 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, दोस्तों आगे बढ़े समझ में, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान जो है वो 17 सितंबर 1787 ईस्वी को यूएसए ने बनाया था, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनाया गया था, इसी सम्मेलन में संविधान बनाने पर बात चली थी, और ये जब लागू हुआ बनकर तैयार हुआ, यानी दिन तैयार हुआ, बनकर तैयार हुआ। ठीक है बच्चों, बजट बनकर तैयार हुआ और इंप्लीमेंट लागू कब से हुआ, 21 जून 1788 ईस्वी से ये लागू हुआ। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट क्लियर आपका। दूसरा पॉइंट देखता हूं मैं, ठीक है बच्चों, ला चुका हूं दूसरा पॉइंट लिखिए कि विश्व का सबसे बड़ा लेकिन लिखित संविधान किस देश का था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको ये भी लिख देता हूं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान है
और जो लिखित में है वो तो भारत का है, पर लेकिन विश्व का सबसे बड़ा संविधान बट लिखित नहीं, लिखित नहीं मतलब लिखा हुआ नहीं है, बट लिखित नहीं, लिखित मतलब लिखा हुआ नहीं है, लिखित संविधान नहीं है, तो वो किस देश का है? इसका सबसे बड़ा संविधान लेकिन ये लिखा हुआ नहीं है, यदि लिखा हुआ होता तो आपको सभी को पता अपने भारत का ही सबसे बड़ा है और लिखित भी है, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं है, ये किसका है? ब्रिटेन का। जो है लिखित हो ये है ब्रिटेन का, ये जो है ये अनरिटन है, अनरिटन ठीक दस, जो कि ये ब्रिटेन का है अनलिखित है, लेकिन सिर्फ इसमें एक बात लिखी गई है जो है इसमें सिर्फ मैग्ना कार्टा लिखा गया, मैग्ना कार्टा को इंग्लिश में मैग्ना कार्टा ये नहीं है, ठीक है बच्चों, मैग्ना कार्टा। अब आप ये कहेंगे सर मैग्ना कार्टा क्या होता है, मैग्ना कार्टा सिर्फ ये सिर्फ मैग्ना कार्टा लिखा हुआ है, ओनली मैग्ना कार्टा लिखा हुआ है, लिखा हुआ मैग्ना कार्टा ठीक। अब ये मैग्ना कार्टा क्या चीज है मैं आपको ये समझाता हूँ, 1215 ईस्वी में यहां पर चल लेते हैं मैग्ना कार्टा क्या है, मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में जो ब्रिटिश किंग था किंग जॉन, उसने जो ब्रिटिश नागरिक थे उनके लिए जो मौलिक अधिकार लिखवाए गए उसके उनके द्वारा उनके लिए मौलिक अधिकार ब्रिटिश लोगों के लिए किंग जॉन द्वारा जो मौलिक अधिकार लिखवाए गए उन्हीं को मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो मैं आपको एक बार लिख देता हूँ मैग्ना कार्टा कहते हैं वो 1215 ईस्वी में, आपको एक बार लिख देता हूँ ये है 1215 की बात है, 1215 ईस्वी में 1215 ईस्वी में ब्रिटिश किंग तो 1215 में ब्रिटिश किंग जॉन तो 1215 में ब्रिटिश किंग था जॉन ठीक, जॉन के द्वारा इसने किसी के द्वारा मतलब इसने स्वयं लिखा था, इसने किसी जैसे कि अब प्रधानमंत्री ने हमारे कुछ बात लिखवाई तो खुद थोड़ी लिखेंगे, किसी के द्वारा तो लिखवाएंगे, तो ऐसे जॉन ने लिखा था ठीक, लिखवाया गया था जॉन ने ब्रिटिश नागरिकों के लिए, ब्रिटिश ब्रिटिश नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार थे, जो मौलिक फंडामेंटल राइट्स थे, जो ठीक है बच्चों 1215 ईस्वी में ब्रिटिश किंग जॉन द्वारा ब्रिटिश नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार लिखवाए गए थे, लिखवाए गए थे ठीक है बच्चों, तो ब्रिटिश नागरिकों के जो मौलिक अधिकार लिखवाए गए थे उन्हीं को मैग्ना कार्टा कहते हैं, यहीं से हमारे संविधान में क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे संविधान की हमारे भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो जो भारत का भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो किसे कहा जाता है, देखो यहां पर भी किसकी बात हो रही है मौलिक अधिकार, या मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, इस दर्शाए इंग्लिश में लिख देता हूं ठीक है, फंडामेंटल राइट्स
फोन ब्रिटिश क्यूबल फंडामेंटल राइट स्कूल ब्रिटिश प्यूपल। ठीक है बच्चों, दिखाए गए थे इनको मुझे गए थे। तो मैं यहाँ पे चल रहा था कि भारत का भारतीय संविधान का मेरा काटा किसे कहा जाता है। देखो यहाँ पर भी संविधान मौलिक अधिकारों की बात की गई है, और जो हमारा पार्ट तीन है जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया, उसमें भी हमारे भारतीय लोगों के लिए मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल यही से लिया गया है कि मैंने काटा भारत का मैंने काटा किसे कहा, भारत संविधान का मैंने काटा। तो जो पार्ट तीन है, जो हमारा पार्ट तीन है, उसी को हम भारतीय संविधान का मैंने काटा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप थोड़ा समझिए पॉइंट को कि मौलिक अधिकारों के मैंने काटा था, ये जो मैंने काटा था, ठीक मैंने काटा था मौलिक अधिकार थे ब्रिटिश नागरिकों के लिए, उसी को मैंने काटा कहा गया। अब मैंने काटा ब्रिटिश ब्रिटेन का होगा, ठीक, लेकिन अब इसी पे आधार पर भारत का बोला जाता है कि भारत का भारतीय संविधान का मैंने काटा क्या। तो जो भाग तीन है हमारा, जो भाग तीन है पार्ट तीन है, उसी को हम भारत संविधान का मैंने काटा कहा जाता। तो आपको बिल्कुल भी किसी पॉइंट को रटने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे कि आपको ये पॉइंट समझा, मैं बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट क्लियर कॉन्सेप्ट से क्लियर करवाऊंगा और आपको याद करने के लिए भी आसानी रहेगी। अब आप यहीं से आप तुरंत टिक कर दोगे कि मौलिक अधिकार तो मैंने काटा कहा गया था ब्रिटिश में, इसी वजह से भारत का जो मैंने काटा वो बिल्कुल पार्ट तीन मौलिक अधिकार को ही कहा गया। ठीक, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ आपको। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैसे उम्र है तो छोटा सा ही, लेकिन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि यूरोप का सबसे पुराना जो देश है किस देश का संविधान था सबसे पुराना, तो ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यूरोप में यूरोप का सबसे पुराना संविधान किस देश का था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी वजह से मैं आपको लिखवा रहा हूँ। बस आपको ये प्रश्न नहीं ये छोटा है ना ही ये बड़ा है, बस ये पूछा जाता है कि यूरोप का सबसे जो पुराना संविधान है किस देश का है, ये किस देश का है, ये है हमारा नीदरलैंड का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं एक पॉइंट पढ़ाता हूँ, ये तो आपने सबने पढ़ रखा होगा जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है। आपको मुझको उम्मीद है आपको पता होगा, सब आप इसको टिक कर देंगे, सबसे बड़ा किसका है और सबसे लिखित में किसका है, वो है हमारे भारत का। ठीक, एक बार मैं लिख देता हूं, विश्व का सबसे बड़ा एवं पुराना संविधान, सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान उम्मीद है आप सभी को पता होगा। एक बार फिर मैं कौन के लिए मैं लिख देता हूँ, इस पर टिक मार कर देता हूँ। ठीक, अब मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, इसका सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किसका, ये हमारे भारत देश का बच्चों। अब आपको यहाँ पर एक और पॉइंट पढ़ना है कि भारत सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का होगा, लेकिन एक देश है युवा सेवा भी लिखिया, ठीक, युवा सेवा भी किया, तो उसका जो संविधान है
वो सबसे बड़ा था, भारत का भी नहीं, लेकिन उसके को क्या है, उसके जो देश है वो बट गए, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जब टुकड़े टुकड़े हो गए तो आप सिंपल सी बात है कि संविधान भी अलग अलग भागों में बट गया, छोटे छोटे भागों में बट गया, तो इस वजह से हमारे भारत का ही होता है। एक बार फिर मैं लेके देता हूँ उस पॉइंट को भी, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका था पहले, अब तो यही है, भारत से पहले किसका था, यानी कि भारत का सबसे बड़ा संविधान ये किसका था, युगोस्लाविया का, युगोस्लाविया का था, बट टुकड़े होने के कारण, बट इसके टुकड़े होने के कारण इसके टुकड़े होने के कारण ये छोटा हो गया, छोटा हो गया। ठीक है बच्चों, युगोस्लाविया का था सबसे बड़ा जो संविधान था, लेकिन जब देश बड़ा होता है तो बड़ा होगा होगा, लेकिन जब उसके जो छोटे छोटे टुकड़ों के छोटे छोटे देशों में बट गया, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर संविधान भी छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। तो यहाँ पर हम यही इसी को याद रखेंगे, इसका सबसे बड़ा लेकिन संविधान यही है भारत का। ठीक है, ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है कि भारत से पहले युगोस्लाविया का हुआ करता था, टुकड़े होने के बाद में ये छोटा हो गया, तो अब किसका है, हमारे भारत का है। ठीक, आपको मैं बता रहा हूँ मेन पॉइंट जो है क्लियर हो गए हैं, सिर्फ दो पॉइंट्स रह गए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं वहां से। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो देखो जी, सीधी सी बात है, हमारा संविधान आपको पता है काफी बड़ा है, तो संविधान बड़ा है तो उसमें हमारे सब चीज दी गई है, मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं हमको, सब तरह से सुविधा दी गई है, किसी भी कार्य को करने की, किस प्रकार से हम शुरू करना है, किस प्रकार से हम खत्म करना है, किस प्रकार हम प्रशासन हमारा सहयोग करेगा किसी भी कार्य करने के लिए। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी होगी, हमारे देश की होगी। डेमोक्रेसी किस देश की होगी, द बिगेस्ट बिगेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री किसकी होगी, हमारे पता संविधान बड़ा है तो हमारे जो हमारे देश के जो लोग हैं उनके सबसे बड़ा शब्द सौदा दी गई, सबसे ज्यादा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, सब चीज हमारे पूरी फैसिलिटी फुल फैसिलिटी है, हमारे भारत देश को कुछ भी कर सकता है। लेकिन अन्य देशों में कहीं ना कहीं व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार है उनको कम कर दिया गया, बांट दिया गया, और कुछ बहुत से मौलिक अधिकार नहीं दिए गए कुछ देशों में। तो जो यहाँ पर आप लगा सकते हो, जब डेमोक्रेसी सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कौन सा देश रहेगा, सबसे बड़ा भारत देश रहेगा। लेकिन देखता हूँ भारत, भारत का सबसे हिंदी में लिख देता हूँ, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, ये सबसे बड़े की बात होगी। ठीक, सबसे बड़े का होगा भारत। अब देखें स्मॉलेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री, मतलब कि सबसे छोटा देश जिसका लोकतांत्रिक देश, सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश किस देश का, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री ये किस देश का, ये है नोरू। नोरू NARU नोरू। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश, तो सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश कौन सा होगा, नोरू। ठीक, आज की बात हम यहीं तक रखते हैं।
आप सभी से, आप लगातार आप हमें देखते रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मतलब पढ़ा दिया है, जो अगली जो बात है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वैसे आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, और अपने जो यार दोस्त हैं जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं और जो कहीं बाहर नहीं जा सकते, आपको सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है तो कहीं नहीं जा सकता, यहाँ तक कि जो हमें लोकल में जो कोचिंग है वो भी बंद पड़ी हुई है ठीक ठाक। तो मैं आपसे एक बार फिर से अनुरोध करता हूँ कि आप उन भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं उनको, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कराएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम और मेहनत कर सकें। वैसे हम अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रही है, जो हमारी टीम काफी बढ़िया प्रोग्रेस कर रही है, देख सकते हो काफी अच्छी वीडियो व्यू भी आ रहे हैं, आप हमारे प्लेस में आकर देख सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि सर व्यू नहीं आ रहे आपकी वीडियो पर, पब्लिक लाइक भी कर रही है और हमारी जो कमियां हैं उनको भी बता रही है। अभी हमें हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, हम उसको धीरे धीरे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो को और सब्सक्राइब करते रहिए। यदि इस वीडियो में भी आपको कोई कमी लगे कि आप मुझसे गलती से कोई शब्द लिख गया हो, गलती से कोई शब्द स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे कि हम आए उसको ध्यान रखें। और मैं नेक्स्ट क्लास जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं पॉलिटी की, तो मैं उसमें आपको बता दूंगा ठीक। आप आज की बात हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।